इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे द 100 के दोस्तों आज के होने वाले थर्ड मैच के बारे में। दोस्तों आज का थर्ड मैच LNS और दोस्तों OBI टीम के बीच खेला जाएगा। बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग वेन्यू के बारे में, तो दोस्तों यह मैच खेला जाएगा लॉर्ड क्रिकेट स्टेडियम जो दोस्तों लंदन में है। इस वेन्यू का दोस्तों हम लोग पिच रिपोर्ट देखें तो दोस्तों देखो लॉर्ड का जो ग्राउंड है ना हमेशा फास्ट बॉलर के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहता है और स्पेशली दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर में आपको दोस्तों स्टार्टिंग के ओवर में पावर प्ले में दोस्तों मैक्सिमम विकेट फास्ट बॉलर ले जाते हैं जो दोस्तों बढ़िया स्विंग बॉलिंग करते हैं, चाहे दोस्तों वो फर्स्ट इनिंग हो चाहे दोस्तों वो सेकेंड इनिंग हो। ये चीज़ मैं आपको ये वेन्यू का जो रिकॉर्ड है उससे भी मैं क्लियर करता हूँ। यदि आप लास्ट दोस्तों चार मैच देखोगे इस वेन्यू पर तो दोस्तों लास्ट चार मैच में 32 विकेट फास्ट बॉलर को मिले हैं और वहीं दोस्तों 14 विकेट सिर्फ स्पिनर को मिले, तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर दिख रहा है कि दोस्तों फास्ट बॉलर आपके लिए इस मैच में इम्पॉर्टेंट है, ठीक ना। अब बात करें दोस्तों दोनों टीमों का हेड टू हेड रिकॉर्ड कैसा रहा है जब भी दोस्तों ये लोग द 100 में खेले हैं, तो दोस्तों LNS की टीम और दोस्तों OBI की टीम के बीच में अभी तक टोटल 4 मैच हुए हेड टू हेड में, जिसमें एक मैच तो दोस्तों बारिश की वजह से रद्द चला गया था। 3 मैच में दोस्तों देखें तो LNS की टीम 1 मैच विन की है और वहीं दोस्तों OBI की टीम 2 मैच विन की है, तो यहाँ पे दोस्तों बोल सकते हो 1 मैच ज़्यादा OBI की टीम ने विन किया है। बात करें दोस्तों इस वेन्यू से रिलेटेड हम लोग एवरेज स्कोर के बारे में, तो दोस्तों ये जो वेन्यू है ना हाई स्कोरिंग वेन्यू है। यहाँ का दोस्तों एवरेज स्कोर आपका इस मैच का 160 और 280 के बीच में रहेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों इस ग्राउंड पर बहुत बार 200 प्लस भी स्कोर किया था लास्ट ईयर। अब बात करते हैं दोस्तों इस मैच से रिलेटेड हम लोग कम्बिनेशन और दोस्तों प्लेयर स्टैट्स पे, तो दोस्तों प्लेयर स्टैट्स बताने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो दोस्तों टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना। रीज़न क्या है दोस्तों ज्वाइन करने का, फर्स्ट रीज़न दोस्तों आपको फाइनल पिच रिपोर्ट और दोस्तों फाइनल 11 आपको मैं टेलीग्राम पर ही शेयर कर पाऊँगा, ठीक ना। और जो भी मैंने अभी वीडियो में टीम आपके साथ शेयर करूँगा यदि उस टीम में दोस्तों कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो फाइनल कम्बिनेशन भी मैं आपको टेलीग्राम पे ही शेयर करूंगा, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दे, जिससे दोस्तों आने वाले वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक ना दोस्तों। अब चलिए दोस्तों हम लोग फोकस करते हैं इस मैच से रिलेटेड कम्बिनेशन और प्लेयर स्टैट्स, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग विकेट कीपिंग सेक्शन से। फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा एच कार्लसन, जो दोस्तों हेड टू हेड तो कभी भी नहीं खेले हैं OBI टीम के अगेंस्ट, देखो ये फर्स्ट टाइम दोस्तों द 100 में खेल रहे हैं, लेकिन एच कार्लसन का दोस्तों जो रीसेंट मैचों का परफॉर्मेंस रहा है USA T20 लीग में जस्ट दोस्तों किलिंग परफॉर्मेंस रहा है। मैं इनका लास्ट 3 मैचों का परफॉर्मेंस शेयर करूँ तो दोस्तों 100, 52 और 225 लास्ट मैच में दोस्तों फाइनल के मैच में आराम से 0 पे आउट हो गए थे, बट स्टिल एच कार्लसन दोस्तों आपके लिए एक मस्ट इंपॉर्टेंट पिक है, ठीक ना, ड्रॉप नहीं कीजिएगा। फिर नीचे दोस्तों आपको एस बिलिंग्स का ऑप्शन मिलेगा। बिलिंग दोस्तों एक बहुत बढ़िया प्लेयर है, लेकिन दोस्तों इनका ना द 100 में बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है। अब साथ ही साथ दोस्तों इनका जो LNS के अगेंस्ट भी जो हेड टू हेड में रिकॉर्ड है कुछ खास नहीं है। 4 मैच इन्होंने खेले LNS के अगेंस्ट जिसमें आपको बैटिंग से सिर्फ 14 रन स्कोर किए हैं, और वहीं दोस्तों इनका रिसेंट 3 मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो 11, 23 और 213, डैट मीन्स रीसेंट मैचों का भी एवरेज परफॉर्मेंस है। फिर नीचे दोस्तों आपको एम वेट का ऑप्शन मिलेगा। ओपन बैटिंग करने आते हैं तो दोस्तों आप ट्राई कर सकते हो, यदि मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आए तो फिर दोस्तों आप ड्रॉप कर सकते हो, ठीक ना, ओपन बैटिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। इस टूर्नामेंट में देखें तो दोस्तों अभी तक मैच तो खेले नहीं है, मैं इनका लास्ट 3 मैच शेयर करूँ तो 49, 8 और 278, तो लास्ट 3 मैच में दोस्तों 2 मैच में इनका T20 में काफ़ी बढ़िया स्कोर रहा है। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको एरो असिस्टेंट का ऑप्शन मिलेगा। परफॉर्मेंस देखें तो 3 मैच इन्होंने हेड टू हेड में खेले सामने वाले टीम के अगेंस्ट जिसमें आपको बैटिंग से 46 रन स्कोर किए। फिर नीचे दोस्तों आपको एम पेपर का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों लास्ट 5 मैच इनका डोमेस्टिक में देखें तो लास्ट 5 मैच में 142 रन स्कोर करके आ रहे हैं, लेकिन देखो दोस्तों ये डोमेस्टिक खेल के आ रहे हैं, ठीक ना, इंटरनेशनल लेवल पर दोस्तों ये कभी खेले नहीं है। लास्ट ऑप्शन आपको जे कॉक्स का मिलेगा, जो दोस्तों आपको मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने आता है, बढ़िया प्लेयर है, लेकिन यही है कि 4 से 5 नंबर पे बैटिंग करने आता है, बस ये एक माइनस पॉइंट है। इन्होंने 2 मैच खेले LNS टीम के अगेंस्ट हेड टू हेड में जहाँ पे आपको बैटिंग से 48 रन स्कोर किए हैं।
अब बात करें दोस्तों हम लोग बैटिंग सेक्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन आपको मिलेगा जे रॉय का। दोस्तों हेड टू हेड में बहुत ही खराब रिकॉर्ड है इन्होंने। दोस्तों अभी तक 3 मैच खेले एलेंस के अगेंस्ट, जहाँ पे जानते हो 3 मैच में सिर्फ 6 रन स्कोर कर पाए, और साथ ही साथ इनका आप लास्ट 3 मैचों का परफॉर्मेंस भी देखो तो 2 रन, 7 रन और 245 रन स्कोर किए हैं। तो यदि दोस्तों आप देखो सेफ जाना चाहते हो ट्राई कर लेना, यदि आप रिस्क ले सकते हो तो ड्रॉप भी कर सकते हो। ध्यान है एक चीज़ दोस्तों, कल मैंने आपको एलेक्स हेल्स के बारे में बताया था कि एलेक्स हेल्स का हेड टू हेड में सामने वाली टीम के अगेंस्ट बहुत ही खराब रिकॉर्ड है दोस्तों, सेम वही दोस्तों रॉय का भी है, ठीक ना। फिर नीचे आएगा दोस्तों विल जैक, आपके लिए सभी कम्बिनेशन में इंपॉर्टेंट है बिकॉज आपको टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करेंगे, सबसे बड़ा एडवांटेज क्या जानते हो आपको बॉलिंग करके देंगे। अभी तक दोस्तों इन्होंने 4 मैच खेले हेड टू हेड में सामने वाली टीम के अगेंस्ट, जिसमें आपको बैटिंग से 99 रन और बॉलिंग से 1 विकेट ले चुके हैं। बढ़िया दोस्तों इनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस रहा था T20 ब्लास्ट में। फिर नीचे दोस्तों आपको जेक क्रॉली ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों देखो क्रॉली ना टेस्ट प्लेयर है, ठीक ना, और टेस्ट खेल के आ रहा है। जो अभी रिसेंटली दोस्तों SS जो चल रहा था इंग्लैंड और दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के बीच में, क्रॉली दोस्तों आउटस्टैंडिंग फॉर्म में चल रहा था। मैं इनका लास्ट 3 मैचों का परफॉर्मेंस बताऊं टेस्ट का तो 95, 189 और 277। और देखो मेरे को हाई चांस लग रहा है कि यदि ये द 100 में खेलता है और इस मैच में, तो ओपन बैटिंग करेगा। आप चाहो तो दोस्तों कंसीडर कर सकते हो, मैं भी टीम में रख रहा हूँ क्योंकि इनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाँ, हेड टू हेड में एवरेज सा परफॉर्मेंस है 2 मैच के लिए सामने वाली टीम के अगेंस्ट, जिसमें आपको बैटिंग से 21 रन स्कोर किया है। फिर नीचे दोस्तों आपको डी लॉरेंस का ऑप्शन मिलेगा। यदि आप रिस्क ले सकते हो, टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने आता है तो ट्राई कर सकते हो बिकॉज आपको बॉलिंग बैकअप भी प्रोवाइड करता है सामने वाली टीम के अगेंस्ट। दोस्तों हेड टू हेड में 3 मैच के लिए जहाँ पे बैटिंग से 41 रन और दोस्तों बॉलिंग से विकेट तो नहीं ले पाए, बट दोस्तों 3 मैचों में इन्होंने 3 ओवर बॉलिंग किया है। ओवर तो नहीं होता है दोस्तों द 100 में, मैचों में इन्होंने 15 बॉल बॉलिंग किया था। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको ऑप्शन मिलेगा टीम में, इनका दोस्तों एवरेज सा रिकॉर्ड है इन्होंने। दोस्तों देखो द 100 तो कभी खेला नहीं है, सबसे बड़ा माइनस पॉइंट मेरे को यही लगा है, तो इसलिए मैं अभी इन्हें ड्रॉप करके ही चल रहा हूँ, खेलने का चांस बहुत कम है। फिर नीचे दोस्तों आपको रवि बोपारा का ऑप्शन मिलेगा। समटाइम दोस्तों आपको बॉलिंग कर लेते हैं लेकिन रिसेंट मैचों में इन्होंने बॉलिंग बहुत खास किया नहीं है। 3 मैच इन्होंने खेला है OBI टीम के अगेंस्ट हेड टू हेड में, जहाँ पर दोस्तों 3 मैच में 19 रन स्कोर किए और आपको 1 विकेट प्रोवाइड किए हैं। फिर नीचे दोस्तों आपको डी वेल का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों ये जो प्लेयर है ना इंग्लैंड के लिए, दोस्तों देखो कभी भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, लेकिन ये दोस्तों एक ऐसा प्लेयर है जिनका डोमेस्टिक में हमेशा ही आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहता है लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस नहीं मिलता है। आप इनका लास्ट 3 मैचों का परफॉर्मेंस देखोगे डोमेस्टिक लेवल पे तो 111 रन, 69 रन और 238 रन। ये दोस्तों मैं इनका T20 का रिकॉर्ड बता रहा हूँ डोमेस्टिक लेवल पे, क्या गर्दा फॉर्म में चल रहा है, लेकिन वही ये खेलने का चांस कम रहेगा। आर वाइडली को भी दोस्तों आप ड्रॉप करके चल सकते हो, लास्ट 5 मैच में मात्र 36 रन स्कोर करके आ रहे हैं T20 ब्लास्ट में। अब बात करें ऑलराउंडर सेक्शन, तो दोस्तों देखो सैम करन तो 100% आपके टीम में होने चाहिए, कैप्टन भी कर लेना। 3 मैच इन्होंने खेले सामने वाले टीम के अगेंस्ट, जिसमें आपको बैटिंग से तो चलो 14 रन ही स्कोर किए बट 3 मैच में दोस्तों बॉलिंग से आपको 4 विकेट प्रोवाइड किए। फिर नीचे आएगा दोस्तों तो आपको डी मसल का ऑप्शन मिलेगा। दोस्तों देखो खेलता है तो एक ऑलराउंडर प्लेयर है न्यूजीलैंड का, दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेता है, आप टीम में कंसीडर कर सकते हो। इन्होंने दोस्तों कभी भी द 100 नहीं खेला है, इस बार दोस्तों इनका फर्स्ट मैच रहेगा। फिर नीचे आएगा सुनील नारायण का ऑप्शन मिलेगा, खेलने का चांस कम है। रीजन क्या है दोस्तों, चोट की वजह से, ठीक ना। अब देखो यदि खेलते हैं तो 100% आपके टीम में होने चाहिए क्योंकि इससे बड़ा दोस्तों कोई बॉलर तो है नहीं। दोस्तों यदि पूरे आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखो, हाँ डेफिनेटली राशिद खान अभी आगे निकल गए हैं इनसे, लेकिन यदि आप पहले देखो तो दोस्तों सुनील नारायण एक आउटस्टैंडिंग स्पिन बॉलर है। इनका परफॉर्मेंस भी ठीक रहा है, लास्ट 5 मैच देखे तो लास्ट 5 मैच में 38 रन स्कोर किए और 3 विकेट आपको प्रोवाइड किए। फिर नीचे दोस्तों आपको एल डॉसन का ऑप्शन मिलेगा। एल डॉसन का दोस्तों परफॉर्मेंस देखे तो हेड टू हेड में 2 मैच के लिए सामने वाली टीम के अगेंस्ट, जहां पे आपको 2 विकेट प्रोवाइड किए। नीचे दोस्तों आपको एम गार्डली का ऑप्शन मिलेगा, जो दोस्तों हेड टू हेड में 3 मैच खेले सामने वाले टीम के अगेंस्ट, जहां पे आपको बैटिंग से 37 रन और बॉलिंग से 2 विकेट प्रोवाइड किए। बहुत अच्छा रिकॉर्ड है यार, मात्र 10% सिलेक्शन है। फिर नीचे दोस्तों आपको निशम का ऑप्शन मिलेगा, खेलेगा तो चांस कम है। ऐसे 5 मैच इनका लास्ट देखे तो 5 मैच में 71 रन स्कोर किए और 1 विकेट लिए है। कभी भी दोस्तों द 100 ये नहीं खेले, ध्यान रखिएगा, ठीक ना। हाँ, टी करन दोस्तों 100 खेले भी और बेहतरीन परफॉर्मेंस रहा है, आपके टीम में इंपॉर्टेंट मेंबर भी है, ठीक ना। इन्होंने 4 मैच खेला है सामने वाली टीम के अगेंस्ट, जहाँ पर बैटिंग से 54 रन और दोस्तों बॉलिंग से आपको
दो विकेट प्रोवाइड किए। फिर नीचे दोस्तों थॉमसन 7% सेलेक्शन है, लेकिन आउटस्टैंडिंग इनका दोस्तों द 100 लास्ट ईयर गया था और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी गढ़ा है। 3 मैच इन्होंने खेला है दोस्तों ओबीआई टीम के अगेंस्ट, जहाँ पे बैटिंग से 36 रन और 3 मैच में बॉलिंग से 4 विकेट, 7% सेलेक्शन है, भाई मेरे टीम में रहेंगे। अब बात करें हम लोग बॉलिंग सेक्शन, तो दोस्तों मार्क वुड फर्स्ट टाइम खेलेंगे द 100, इससे पहले लास्ट ईयर ये द 100 नहीं खेले थे, लेकिन इनका जो टेस्ट मैचों का परफॉर्मेंस रहा है ना बहुत अच्छा रहा है, और यदि दोस्तों इतना बड़ा बॉलर खेलता है तो आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। फिर नीचे दोस्तों आपको एन साउडर का ऑप्शन मिलेगा द 100 दोस्तों, इन्होंने लास्ट ईयर 2 मैच खेला था जहाँ पर विकेट नहीं ले पाए थे सामने वाली टीम के अगेंस्ट, और वहीं इनका रिसेंट मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो डोमेस्टिक लेवल पे 5 मैच इन्होंने लास्ट खेला है जहाँ पे आपको 5 विकेट प्रोवाइड किए। नाथन एलिस को दोस्तों मैं टीम में रखूंगा, डेथ में दोस्तों बॉलिंग करने आएंगे और बढ़िया बॉलर है दोस्तों। लास्ट ईयर इन्होंने 2 मैच खेला था ओबीआई टीम के अगेंस्ट जहाँ पे आपको बॉलिंग से 4 विकेट प्रोवाइड भी किए थे, डेट टू हेड टू हेड परफॉर्मेंस भी अच्छा है। जंपा भैया दोस्तों खेले तो देखो 1 विकेट तो आप इनसे 100% उम्मीद रख सकते हो, लेकिन वही है कि दोस्तों इस पिच पे स्पिनर को बहुत ज़्यादा ना हेल्प नहीं मिलता है, बट स्टिल मेरे को लग रहा है दोस्तों जंपा खेलेगा तो 1 विकेट आपको लेके देगा, इसलिए मैं इन्हें टीम में रख रहा हूँ, लेकिन इनके जगह दोस्तों आप चाहो तो अदर प्लेयर को ट्राई कर सकते हो। ओके, फिर नीचे दोस्तों आपको जी अगस्टन का ऑप्शन मिलेगा जो दोस्तों हेड टू हेड में तो कभी भी नहीं खेले हैं सामने वाली टीम के अगेंस्ट, यदि आप इनका लास्ट 5 मैचों का परफॉर्मेंस देखें तो लास्ट 5 मैच में दोस्तों आपको 6 विकेट प्रोवाइड किए। फिर नीचे दोस्तों आपको सी विट का ऑप्शन मिलेगा, अच्छा दोस्तों फास्ट बॉलर है, ट्राई करना हो दोस्तों जीएल में कर सकते हो, लास्ट 5 मैच में दोस्तों 6 विकेट लेके आ रहे हैं द 100 दोस्तों, इन्होंने भी लास्ट ईयर नहीं खेला था। नीचे से दोस्तों यदि आप किसी प्लेयर पर रिस्क लेना चाहते हो तो देखो एक प्लेयर का मैं नाम बताना चाहूँगा, जेड चैम्बल, इनका दोस्तों डोमेस्टिक लेवल में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस था, लास्ट 5 मैच में दोस्तों ये 10 विकेट लेके आ रहे हैं डोमेस्टिक में, ठीक ना, तो आप इन पे चाहो तो रिस्क ले सकते हो। एम क्रेन का दोस्तों एवरेज सा रिकॉर्ड है, लास्ट 5 मैच में आपको 4 विकेट प्रोवाइड किए, द 100 दोस्तों फर्स्ट टाइम खेलेंगे। नीचे से एक और स्पिनर मैं शेयर करना चाहूँगा दोस्तों डी बेग, इनका दोस्तों खेलने का चांस मुझे लग रहा है कि है, ठीक ना, और यदि ये खेलेगा तो आप ट्राई कर सकते हो, अच्छा दोस्तों विकेट टेकर बॉलर है, लास्ट ईयर 1 मैच खेले थे सामने वाले टीम के अगेंस्ट, डेट मीन्स एलियंस के अगेंस्ट, जहाँ पे आपको बॉलिंग से तो विकेट नहीं ले पाए थे बट बैटिंग से 29 रन आपको स्कोर करके गए थे, तो इस प्लेयर पर आप ध्यान रखिएगा। आप सभी दोस्तों के सामने दोस्तों एक मैं न्यू ऐप आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जो दोस्तों फैंटेसी का ऐप है, मार्केट में अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, ऐप का नाम है दोस्तों अट्रैक्टिव 11 दोस्तों एक न्यू ऐप है। देखो यहाँ पे कंपटीशन लेवल अभी आपको बहुत कम मिलेगा और इजीली दोस्तों आप ग्रैंड लीग, मिनी जीएल और स्मॉल लीग विन कर सकते हो, और सबसे बड़ा दोस्तों देखो मैं आपको रिकमेंड करूँगा यदि आप दोस्तों लो इन्वेस्टर हो और दोस्तों आप मीडियम इन्वेस्टर हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा कि यदि आप द 100 में इन्वेस्ट करना चाहते हो इस ऐप पर आप कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों एक तो आप इन्वेस्ट करके विन करोगे वो तो है ही, साथ ही साथ यहाँ पर आपको लीडर बोर्ड भी प्रोवाइड किया जा रहा है द 100 में, और बहुत ही अच्छा लीडर बोर्ड है। लीडर बोर्ड में दोस्तों ये 100% श्योर रखिएगा कि आप विन करके जाओगे। ये अभी दोस्तों जो श्रीलंका प्रीमियर लीग चल रहा है इसके लिए भी दोस्तों ऑलरेडी लीडर बोर्ड 10,000 का ओपन है, और द 100 के लिए दोस्तों 17,000 का लीडर बोर्ड है, और दोस्तों 100% श्योर रखना टोटल 25 विनर निकलेंगे और दोस्तों ये 25 में आपका नाम होगा, बिकॉज दोस्तों यहाँ पर ना कंपटीशन बहुत कम है, बहुत ही कम मेंबर ज्वाइन करते हैं, जैसे अभी देखो तो बहुत ही देखो टोटल 4 मेंबर अभी तक दोस्तों इस लीडर बोर्ड में पाए, तो आपके पास दोस्तों अच्छा चांस है यदि आप द 100 में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और दोस्तों आप मीडियम इन्वेस्टर हो और दोस्तों आप लो इन्वेस्टर हो तो दोस्तों आप इस ऐप पे प्ले कर सकते हो स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मिनी जीएल, और आप दोस्तों विन कर सकते हो। एक और रीजन दोस्तों बताता हूँ यहाँ पे आपको क्यों खेलना चाहिए। देखो यहाँ पे ना दोस्तों आपके पास जो भी बोनस आएगा, जैसे आप जब फर्स्ट टाइम मेरे लिंक से जाके लॉग इन करोगे तो आपको 200 रुपया का बोनस मिलेगा, और देखो दोस्तों बोनस आप यूज कर सकते हो 7% इस वाले मैच में, 7% दोस्तों इसमें, 7% इसमें, डेट मीन्स बोनस आपका बेकार नहीं जाएगा, बोनस आप यूज कर सकते हो। तो जो भी भाई लोग डाउनलोड करना चाहते हैं जैसा मैंने बताया दोस्तों लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले कर सकते हैं और मैक्सिमम विन कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इस मैच से रिलेटेड कैप्टन बीसी ऑप्शन, तो दोस्तों देखो कैप्टन तो मैं सैम करन और वाइस कैप्टन में डब्ल्यू जैक के साथ जा रहा हूँ। ग्रेनलिंग में दोस्तों आप एज कार्लसन को ट्राई कर सकते हो, आउटस्टैंडिंग फॉर्म में आ रहे हैं,
और वहीं दोस्तों ऑलराउंडर सेक्शन में डेनियल मार्शल को भी कर सकते हो, और दोस्तों टैम करन को आप जीएल में जरूर ट्राई कीजिएगा। अभी के लिए दोस्तों ये टीम मेरा फाइनल टीम है, आप सभी दोस्त इस टीम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कॉन्टेस्ट ज्वाइन करके रखिए। टॉस के बाद दोस्तों यदि इस टीम में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तभी दोस्तों हम लोग चेंजेस करेंगे, और यदि दोस्तों इस टीम में कोई प्लेयर नहीं खेलता है तो मैं पूरा कोशिश करूँगा फाइनल कॉम्बिनेशन फिर से अपडेट करके टेलीग्राम पर मैं शेयर भी कर दूँ। टेलीग्राम चैनल को दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी मिल जाएगा, साथ ही साथ दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी फर्स्ट कमेंट पिन किया हुआ मिल जाएगा, जाइए दोस्तों टेलीग्राम के साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ दोस्तों यदि अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कीजिएगा नोटिफिकेशन का घंटी बजा दें, जिससे दोस्तों आने वाले नेक्स्ट मैच का वीडियो का आपको ईजिली नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। फिर मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट T10 के वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, टेक केयर एंड गुड नाइट।